नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, राहुल गांधी ने मोदी को बताया बेरोजगारी का जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर 447 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। लाहौर दुष्कर्म मामले 12 दिनों में चार्जशीट, 1700 पेज की चार्जशीट पेश। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी नूह पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट करने की जनता से अपील की। हरियाणा का नूह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां पहुंचने पर राहुल गांधी का मेवाती पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस के फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार मामन खान भी मौजूद रहे। मामन खान पर नूह हिंसा के केस दर्ज हैं और वो जमानत पर हैं। राहुल गांधी ने यहां से दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत फैला रखी है, बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। जो यहां पे आज हजारों खड़े हुए हैं, अच्छा सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली पूरे देश में। ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। राहुल ने अंबानी और अडानी का नाम लिए बिना कहा कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों समेत देश के 20-25 लोगों का अरबों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कितना कर्जा माफ किया? कुछ नहीं। पहला काम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी उसको हम फिर से लागू करेंगे, ओपीएस हम आपको वापस देंगे और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। युवाओं को
हरियाणा सरकार में जो 2 लाख रोजगार नरेंद्र मोदी और हरियाणा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको हम भर के आपको देने जा रहे हैं। और ये 2 लाख रोजगार जो मिलेंगे, ये हरियाणा के 36 बरादरियों को मिलेंगे, हर जात को, हर धर्म को ये रोजगार हम देंगे, न्याय के साथ, समानता के साथ ये रोजगार दिए जाएंगे। किसान को गारंटी करके हम MSP देंगे, और जैसे ही आपको नुकसान होता है वैसे ही आपको बैंक में बीमा का पैसा एकदम दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया, जो आप जानते हो, या राजस्थान में हमारी जो योजना थी, आप कोई भी ऑपरेशन, दिल का, किडनी का, पेट का, जो भी कैंसर हुए उसका ऑपरेशन आप करवाना चाहो तो 25 लाख रुपए तक का ऑपरेशन आपको अस्पतालों में मिलेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात भाईचारा। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, RSS के लोग नफरत फैलाते हैं। राहुल ने यहां भी अपने अमेरिका दौरे पर मिले हरियाणा के युवकों का भी जिक्र किया। कहा कि मोदी जी बताएं कि हरियाणा बेरोजगारी में 1 कैसे बना। प्रदेश के युवा अपने घरों से दूर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। राहुल ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे भाजपा की ही A, B और C पार्टियां हैं। उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और RSS के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे, चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, यह लड़ाई है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में हरियाणा के युवा मुझसे मिले। पहले उन्होंने मैसेज दिया, राहुल जी आप अमेरिका आए हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहते हैं राहुल जी हम आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। डैलस में मैं 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी हम भागकर, हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता, इसलिए हम अमेरिका आए हैं। आप अमेरिका कैसे गए? 50 लाख रुपए कर्जा लेकर, खेत बेचकर हम अमेरिका आए हैं। कैसे आए? पूरी दुनिया घूम कर गए। पहले हम इस्तांबुल गए, फिर कजाकिस्तान गए, फिर साउथ अमेरिका गए, इक्वाडोर गए, अलग अलग देशों में गए, और अंत में पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए, डूबते हुए देखा। माफियाओं ने हमें लूटा, हमारे मित्रों को गोली मारी। ये सब सहकर हम अमेरिका आए हैं,
क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी इनकी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी, यह सच्चाई है। आपको अगर हरियाणा में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की भेंट दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर गुजरात आए हैं। उस दौरान अहमदाबाद में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। अमित शाह ने SG हाईवे पर मेगा मेडिकल कैंप में शिरकत की, साथ ही गोता में वेजिटेबल मार्केट का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर भारत में 447 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नागरिकों को स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को टॉप पर लाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर के प्रयासों को बल देने का आह्वान किया। मारी साथे बोलो भारत माता की। अला बैला मोड़ू थयु पण अवाज आवो ना चाले। जरा जोर थी बन्ने हाथ उठाई मजबूती थी बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, गुजरात सरकार ना आरोग्य मंत्री भाई ऋषिकेश भाई, मारा साथी सांसद हसमुख भाई, दिनेश भाई मकवाणा, नरहरी भाई अमीन, मेयर साहेब, बहन प्रतिभाजी, जितेंद्र भाई पटेल, धारासभ्य नाणपुरा जतिन पटेल, डेप्यूटी मेयर जी अमित ठाकर, देवांग दाणी, दिनेश कुशवाह, कौशिक जैन, दर्शनाबेन वाघेला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना कमिश्नर श्री, अने आज भाड़ज गामे उपस्थित सौ भाइयों बहनों ने मारा नमस्कार प्रणाम। सौथी पहला तो हूँ थोड़ो मोड़ो सवार थी मोड़ो थतो गयो, अने बाळको जोड़े थोड़ो वधार टाइम जतो रह्यो, एटले खासू मोड़ू थयू छे। એટલે આપ સૌની ક્ષમા માગી મારી વાતની શરૂઆત કરું છું। ભાઈઓ બહેનો, આજે 9 દિવસના શક્તિના આરાધનાનો નવરાત્રી પર્વ આજથી શરૂ થાય છે। સમગ્ર વિશ્વમાં સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ આ 9 દિવસની અંદર સત્વ, જ્ઞાન અને શક્તિનો સંચય કરવાનું કામ કરતા, અને 9 દિવસ શક્તિ, જ્ઞાન અને સત્વનો જો સંચય થાય વિજયાદશમીના દિવસે, એનો ઉપયોગ સમગ્ર બ્રહ્માંડના કલ્યાણ માટે કરવાનો પણ સંકલ્પ કરતા, આ 9 દિવસના શક્તિ આરાધનના પર્વ નવરાત્રી એ સમગ્ર ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતની અંદર અનેક પ્રકારથી ઉજવાતું હોય છે। અને ગુજરાતીઓ માટે તો કહેવાય કે ગુજરાતની નવરાત્રી નથી જોઈ એને ગુજરાતને ઓળખ્યું જ નથી। 9 દિવસ સુધી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અનેક પ્રકારની સાધનાઓ થતી હોય છે। અમદાવાદ મહાનગરના કુલદેવી ભદ્રકાળી માતાનું સ્થાપન 600 વર્ષથી જૂનું છે। આ સૌથી પહેલા હું શક્તિના ચરણોમાં પ્રણામ કરી મારી વાતની શરૂઆત કરવા માંગુ છું। મિત્રો, આજે અહીંયા લગભગ કુલ મિલાકર 919 કરોડના
कामों एनु लोकार्पण अने खातमुहूर्त आज एकज कार्यक्रम थी थयुं छे। परंतु हूँ एक कार्यक्रम नो विशेष उल्लेख करवा मांगु छु। आ बधाज लोकार्पण अने खातमुहूर्तनी अंदर अनेक प्रकारना कामों छे, स्वास्थ्यना छे, नाना नाना फेरियाओनी चिंता करवाना छे, लाइब्रेरी छे, बगीचा छे, परंतु सौथी महत्वनुं काम मेयर साहेब अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने कर्युं होय तो प्राथमिक नगर शिक्षण समितिए आ आधुनिक निशारो बनावानुं काम कर्युं छे, प्राथमिक शाळाओ बनावी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननो हृदयथी धन्यवाद मानु छु कि मारा मत क्षेत्र में जेटली म्युनिसिपल प्राथमिक शाळाओ थी ए बधी शाळाओने आदर्श शाळा बनावानुं काम अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने कर्युं छे। मारो अहींया जे नागरिको बैठा छे ए सौने मारो अनुरोध, म्युनिसिपल शिक्षण मारा युवानीना दिवसोमां पण मैं म्युनिसिपल शाळाओनी मुलाकात लीधी छे, अनेक कैम्प लगाया, नानी नानी वांचवानी चोपड़ियो वेचवा पड़तो हतो, अने आजे पण जाऊं छूं, परंतु आजे उद्घाटनमां बाळको जोड़े वातचीत करवा हूँ खरेखर कहूं छूं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना आ कार्यक्रमनी प्राथमिक शिक्षण समितिना कार्यक्रमनी तमे एक वार मुलाकात लेशो तो भारतनुं भविष्य केटलुं उज्ज्वल छे एमां तमने कोई शंका नहीं। नाना नाना भूलकाओ, गरीब घरना भूलकाओ, हूँ अहीं उल्लेख करवा नथी मांगतो, मैं लगभग 20-30 बाळकोने पूछ्यो कि माँ बाप शुं करे, विश्वासथी के मारा माँ बाप शाक वेचवानुं काम, आत्मविश्वास એ આજે શિક્ષણથી જ આવતો હોય છે, અને અનેક વિધ વિધાઓમાં કોઈ વિજ્ઞાનના પ્રયોગો બતાવે છે, કોઈ સુંદર તબલા વગાડતું હોય છે, કોઈ ગાતું હોય છે, કોઈ ચિત્રકામ કરતું હોય છે, કડકડાટ સુભાષિતોને કહેવતો બોલવારા નાના નાના બાળકો અને ગરીબ ઘરમાંથી આવનારા બાળકોને જોઈએ તો જીવનની બધી નિરાશાઓ દૂર થઈ ભારતનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે એનો વિશ્વાસ નિશ્ચિત રૂપે નિર્મિત થાય। હું હૃદયથી મેયર સાહેબ, પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન સાહેબ અને સૌ આ કામમાં જોડાયેલા એક એક પ્રાથમિક શિક્ષક અને શિક્ષિકાઓને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપવા માંગુ છું કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્રાથમિક શિક્ષાનું સ્તર, શાળાઓનું સ્તર ઉઠાવવાનું કામ કર્યું છે, અને હું તમે લોકો જે આ મનોયોગથી આ કામમાં જોડાયા છો એ સૌને કહેવા માંગુ છું કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના VS હોસ્પિટલથી માંડી LG હોસ્પિટલથી માંડી બધા જ કામો એક બાજુ રાખી દો, આ જે બાળકોના વ્યક્તિત્વના નિર્માણનું જે તમે કામ કર્યું છે એ આવનારા દિવસોમાં દેશની બહુ મોટી સેવા કરવાનું છે, બહુ મોટી સેવા કરવાનું। ભાઈઓ બહેનો, આજે લગભગ 472 કરોડના કામો લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત ગાંધીનગર મતક્ષેત્રમાં થયા, અને 446 કરોડના કામો મેં મારા બે સાથી સંસદ સભ્યો હસમુખભાઈ અને દિનેશભાઈના મતક્ષેત્રની અંદર થાય। આ બધા જ કામો એક પ્રકારથી અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોની સુવિધા વધારવાના, અને હું આજે અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે આપણા મતક્ષેત્રમાંથી જ ધારાસભ્ય છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે આ 6 વર્ષની અંદર ભૂપેન્દ્રભાઈએ કુલ મિલાકર અમદાવાદ શહેર, કલોલ તાલુકો અને સાણંદ તાલુકો, ગાંધીનગર અમદાવાદ શહેરનો કેટલોક હિસ્સો,
गांधीनगर लोकसभा में 23,951 करोड़ ना कामों ने मंजूरी आपवानुं काम कर्युं। अने 23,951 करोड़ सिवाय मोदी साहेबे लगभग 14,000 करोड़ ना कामों नुं उद्घाटन लोकार्पण कर्युं। कुल सरवारो करिए तो 37,000 करोड़ रूपयाना कामों 5 वर्ष में एक ज लोकसभा में थया छे। भाई भूपेन्द्र भाई माटे जरा जोर थी ताली वगाड़ो बधा भाई। साथे साथ विधानसभाओं नी अंदर अनेक प्रकारना प्रकल्पो जेमां बाळकोना पोषणनी चिंता थाय, बाळकोना भणतरनी चिंता थाय, किशोरोना ज्ञानवर्धन माटे लाइब्रेरीनी चिंता थाय, आपणो विस्तार એનું ઉષ્ણતામાન જળવાઈ રહે, પાણી જળવાઈ રહે, એના માટે તળાવો બનાવવાના હોય કે લગભગ 40 લાખથી વધારે વૃક્ષો વાવવાના હોય, 1 વર્ષમાં 40 લાખ વૃક્ષો, રોડ, ઓવરબ્રિજ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, હોસ્પિટલો, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પ્રાથમિક શાળાઓ, કોઈ ચીજ છોડી 37,000 કરોડ રૂપિયાના કામો એક લોકસભાની અંદર। મિત્રો, આ ખૂબ મોટું એચિવમેન્ટ છે અને મને ખરેખર એનો આનંદ છે કે તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે મેં જે જે કામ ગુજરાત સરકારને ચિંધ્યા, ભારત સરકારને ભલામણ કરી, એ લગભગ બધા કામો પૂરા થઈ આપણા મતક્ષેત્રની અંદર ખૂબ સુંદર વિકાસ થયો છે। આજે હું અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે અમદાવાદના સૌ નાગરિકોને એક વિનંતી કરવા આવ્યો છું। આપણા કમિશનર સાહેબે સ્વચ્છતા અભિયાનની સ્પર્ધામાં અમદાવાદને અગ્રીમ હરોળમાં લાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ જે થવાનું છે એની અંદર અમદાવાદને ટોપ પર લાવવાનો આપણો પ્રયાસ હોવો જોઈએ। શક્ય છે આ વખતે ના આવીએ, પરંતુ આ વખતે શરૂઆત કરીશું તો આવતા વર્ષનું લક્ષ્ય નક્કી કરો કે આખા ના આવીએ, પરંતુ આ વખતે શરૂઆત કરીશું તો આવતા વર્ષનું લક્ષ્ય નક્કી કરો કે આખા ભારતમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સ્વચ્છતામાં આપણા અમદાવાદનો પહેલો નંબર આવે એવું અમદાવાદ। ગુજરાત કે દાહોદ મે 6 સાલ કી બચ્ચી કે સાથ દુષ્કર્મ કે બાદ મોત કે ઘાટ ઉતારને વાલે આરોપી કે ખિલાફ સિર્ફ 12 દિન મે હી ચાર્જશીટ ફાઇલ કર દી ગઈ હૈ। ગુજરાત કે દાહોદ મે સ્કૂલી છાત્રા કો અપને સાથ સ્કૂલ લાતે વખત પ્રિન્સિપલ ને હી ઉસકે સાથ દુષ્કર્મ કી કોશિશ કી ઓર બચ્ચી કો હો હલ્લા કરને પર ઉસે મોત કે ઘાટ ઉતાર દિયા થા। इस मामले दाहोद पुलिस ने सिर्फ 12 दिन में ही 1700 पेज की चार्जशीट बनाकर पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। इस चार्जशीट को तैयार करने के लिए 4 DYSP, 4 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 300 जितने पुलिस कर्मचारी जांच कर रहे थे। हत्यारे प्रिंसिपल को जल्द से जल्द सजा मिले, यह कवायद पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। दाहोद જિલ્લાના રણદીપુર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ટોરણી ગામે જે 6 વર્ષની બાળકીની ઘટના બનેલી હતી 19 તારીખના રાત્રે, જેમાં 20 તારીખના રાતે મોડી રાત્રે ખૂનનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને ત્યારબાદ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી, ત્યારબાદ ગુનાને ડિટેક્ટ કરી અને આરોપી ગોવિંદ નટનાઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી। આ બાબતમાં દાહોદ જિલ્લા પોલીસ યોગ્ય તપાસ થાય, ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થાય અને સમયસર તપાસ પૂર્ણ થાય આ ટીમનું નેતૃત્વ DYSP વ્યાસ લીમખેડા અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર તરીકે નરેન્દ્ર ચૌધરી નાઓએ તપાસ હાથ ધરેલી। આ તપાસમાં આ અધિકારીઓ ઉપરાંત આશરે 300 જેટલી પોલીસ અલગ અલગ કાર્યોમાં અલગ અલગ રીતે જોડાયેલી હતી અને 12 દિવસની મર્યાદામાં આશરે 1700 પાનાનું એક મજબૂત ચાર્જશીટ નામદાર કોર્ટમાં કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ ચાર્જશીટમાં તમામ બાબતો, તમામ અલગ અલગ પહેલુઓનો અભ્યાસ કરી
वैज्ञानिक पृथक्करण करी अने सामेल करवामां आव्युं छे। क्राइम सीन जे होय ए क्राइम सीन नुं साइकोलॉजिकल फोरेन्सिक एनालिसिस पण आ किस्सामां करवामां आवेलुं छे, जेमां क्राइम सीन नी वीडियोग्राफी ड्रोन थी आखा एरिया नी ए क्राइम टाइम दरमियान नी वीडियोग्राफी ए समय ने अनुरूप विक्टिमोना वीडियोग्राफी स्टेटमेंटो आरोपीना वीडियोग्राफी स्टेटमेंटो ओरल जे डॉक्यूमेंट होय छे आ तमाम ने संकलित करी अने गांधीनगर फोरेन्सिक लैब द्वारा एक आखो डिटेल क्राइम सीन साइकोलॉजी रिपोर्ट अने क्रिमिनल साइकोलॉजी रिपोर्ट पण अमने पूरो पाडवामां आव्यो छे। आ चार्जशीटमां जे 103 एक मर्डर माटेनी कलम तो हती ज, ए उपरांतनी तपास दरमियान उमेरायेली कलमो छे BNS 66 652 जेमां मृत्युदंड सुधीनी सजानी जोगवाई छे, 642F 238 127(2) અને પોક્સો એક્ટની કલમ 6 મુજબ ચાર્જશીટ કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત કે સુરત કે હીરા ઉદ્યોગ કે અભૂતપૂર્વ આર્થિક સંકટ કે બારે મે પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી કે અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ ને હીરા ઉદ્યોગ કે લિયે કઈ કલ્યાણકારી માંગે સરકાર કે સમક્ષ રખી હૈ। 25 લાખ સે જ્યાદા પરિવાર જિસકે ઉપર નિર્ભર હૈ और देश के अंदर सबसे बड़े अर्थतंत्र में भी जिनका रोल रहा है, FDI लाने में भी जिनका रोल रहा है, ऐसी डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री आज बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है। जो फिगर्स हमें मिले हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, 100 से ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग में जो श्रमिक है उन्होंने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। और ये जो आज रिसेशन, जो मंदी, जो मुश्किल का दौर है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि G7 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि रशिया से रब से बना हुआ पॉलिश डायमंड हम नहीं खरीदेंगे। अब गलती कोई करे और सजा कोई भुगते, इससे रशिया को नहीं हमारे देश को सूरत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डायमंड पॉलिशिंग का सबसे ज्यादा रफ वो वहां से आता है। अब ये 7 बड़े देश अगर बंद कर रहे हैं तो विदेश मंत्री की जिम्मेवारी थी, जयशंकर जी आप जिम्मेवार हो, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी थी कि आपको अपनी लाभ आम करनी चाहिए। आप कहते हो 56 का सीना तो सीना दिखाना चाहिए, पर क्यों रशिया की वजह से हमारे देश में गुजरात या सूरत इसका खामियाजा भुगते और इसके लिए G7 कंट्रीज को मजबूर करना नहीं किया। अभी अभी अमेरिका जाता है प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करता था कि वहां वो खुल के बोल के प्रेशर बनाएंगे कि G7 कंट्रीज का ये डिसीजन वापस करवाओ, वो वहां एक लफ्ज नहीं। दूसरी वजह है इस रिसेशन की कि चाइना ने एक चाल चली, हमारे देश की प्रतिष्ठा खासकर के गुजरात के सूरत की प्रतिष्ठा थी कि हम रियल डायमंड बनाते। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में भी कहा कि लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड अगर इसके साथ आ जाएगा हमारे देश में तो हमारे देश के रेपुटेशन को नुकसान होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए काम करने की बजाय इस बार में पहले जब गए वहां तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की धर्म पत्नी को लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का लैब-ग्रोन डायमंड दे दिया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नवसारी जिले में नेशनल हाईवे 48 पर 210 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का वायडक्ट गुजरात के नवसारी के सिसोदरा गांव में दिल्ली और चेन्नई के बीच नेशनल हाईवे 48 के ऊपर से होकर गुजर रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नवसारी जिले में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर
210 मीटर लंबा पीएससी ब्रिज बनाया गया है। 210 मीटर लंबे इस ब्रिज में पीएससी बॉक्स सेगमेंट है, जिसका निर्माण हाईवे पर बैलेंस कैंटिलीवर मेथड द्वारा किया गया है। ब्रिज में 72 सेगमेंट है, जिसमें 40 प्लस 65 प्लस 40 मीटर के चार स्पेन हैं। यह ब्रिज बिलीमोरा और सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास स्थित है। NH-48 देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है, इसलिए हाईवे पर लॉन्चिंग सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की सटीकता के साथ इसे बनाया गया है। VNM TV पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. शारदीय नवरात्रि का आज से प्रारंभ हुआ है। इस मौके पर माई के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। शारदीय नवरात्रि आज यानी गुरुवार से शुरू हो गई है। नवरात्र में प्रतिपदा के दिन घट स्थापना या कलश का पूजन होता है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित है। भक्त 9 दिन और 9 रात तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 अद्वितीय स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही माता जी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के मांडवी में अम्बे माता की पोल में प्रसिद्ध अम्बे माता का मंदिर है, जहाँ सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने मिली। वडोदरा के मांडवी में प्रसिद्ध कालिका माता का मंदिर भी है। यहाँ भी सुबह से ही विधि विधान के साथ माता जी की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने भी मौके पर पहुंचकर माता जी के मंदिर में नतमस्तक होकर सुख समृद्धि की मंगल कामना की।
शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जिसकी आज भक्ति भाव से शुरुआत की गई है। आज ये शारदीय नवरात्रि है। हमारे हिंदू परंपरा के हिसाब से जो नवरात्रि, ऐसे तो चार है लेकिन दो महत्व की है, चैत्र की और ये शारदीय नवरात्रि। ये इसलिए महत्व की है क्योंकि इसके बाद हमारा नया साल शुरू होता है। तो ये नवरात्रि इस बार इतना अच्छा लेके आई है कि पितृ श्राद्ध के बाद पितरों का ही नक्षत्र लेके आई है। तो जाहिर है कि ये नवरात्रि की पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, जिनके पितृ नाराज हैं उनसे, तो ये नवरात्रि की पूजा से उनके पितरों भी तृप्त होंगे और उनको खुद को भी अच्छा महसूस होगा। प्रताप नगर में 138 साल पुराना माता का मंदिर है। यहाँ भी नवरात्रि की शुरुआत के साथ भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। भाविक भक्तों ने सुबह से ही लाइन लगाकर माता जी के दर्शन किए और शक्ति की देवी मां अंबे से शक्ति की कामना की। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर विधिवत रूप से घट स्थापना की गई। आज से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है, जिसके चलते शक्तिपीठ अंबाजी में सुबह से ही माई भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन अम्बा जी मंदिर में विधिवत रूप से घट स्थापना की गई। पारंपरिक रूप से मंत्रोच्चारण के बीच माता जी के सभा मंडप में घट स्थापना हुई, जिसमें मंदिर प्रबंधन की ओर से कौशिक मोदी समेत के स्टाफ और पुजारी की मौजूदगी रही। घट स्थापना में 7 अनाज को मिट्टी में लगाकर अनाज कितना बड़ा होता है उसी के आधार पर आने वाला साल कैसा रहेगा यह तय किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में भाविक भक्त मां अंबा के दर्शन के लिए अंबा जी पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में भाविक भक्त मां अंबा के दर्शन के लिए अंबा जी मंदिर पहुंचे। आसो नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि नो प्रारंभ थयो छे। सवारे माताजी की विशिष्ट मंगला पूजा आरती करवामां आवी, त्यार बाद सवारे 11-12 कलाकनी वचमां माताजी घर स्थापन करवामां आवी। घर स्थापन माताजी नवरात्रि दरमियान जनेरा उगाड़वामां आवे छे। आ जनेरा माताजी आठम सुधी रहेशे माताजी समीपे। त्यारबाद आठमना दिवसे उत्थापन करवामां आवशे। नीचे भैरव दादामां भी नवरात्रिनुं घर स्थापन करवामां आवतुं होय छे। गुजरात के भरूच के झगड़िया में पिछले कई दिनों से चोरों की अफवाह चल रही है और इसी बीच यहां बैटरी और हैलोजन लाइट की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भरूच के झगड़िया में चोरों की गैंग लोगों पर हमला कर रही है, ऐसी अफवाह पिछले कई दिनों से सामने आ रही है, जिसके चलते झगड़िया, उमल्ला, राजपार्टी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चोरों को लेकर लोगों में दहशत देखने मिल रही है। लोग पूरी पूरी रात जागकर लकड़ियों के साथ अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच इमरजेंसी लाइट, बैटरी, हैलोजन लाइट और सीसीटीवी की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना है। पहला बैटरी नु अवरे चलन बहुत ऊंचू थी गयु थू। जारे आ चोरों नो हाहाकार आयो त्यारे बैटरी नो हैलोजन फॉक्स नो वेचाण वधी गयु छे। लोकोनो भय नो माहौल थई गयो छे, एना कारणे अमने भी थोड़ो बेनिफिट भी छे। मंदी नो माहौल थोड़ो तेजी नो माहौल आवेलो छे। अत्यारे चोरी नी दहशत एटली बधी वधी गई छे अने एना माटे अमारी दुकान मां बैटरी, हैलोजन अने चार्जिंग ट्यूबलाइटो नो खूब वेचाण वधी गयु छे અને વેચાણ બહુ વધી ગયું છે અને લોકોને એટલો બધો ભય પહેરી ગયો છે ચોરીનો, એટલે લોકો અજવાળું પણ ફૂલ કરે છે અને ચાર્જિંગ બેટરીઓનું ફૂલ વેચાણ છે અને સામે દિવાળી પણ આવી રહી છે। ગુજરાત કી શક્તિપીઠ અંબાજી મે નવરાત્રિ કે પાવન મોકે પર ભક્તો કા હુજુમ ઉમર પડા હે। ગુજરાત મે પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી હે જહા માઈ ભક્તો કા હુજુમ દેખને મિલ રહા હે। નવરાત્રિ કે પહેલે દિન અંબાજી માં કા ચાચર ચોક ભાવિક ભક્તો સે ભર ગયા। देश की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अंबाजी है, जहां देश विदेश से माई भक्त आते हैं। आज से शुरू हुई नवरात्रि के चलते यहां हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे और जय जय अंबे मां का जयकारा यहां गूंजता हुआ देखने मिला।
वीएनएम टीवी पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम। 3BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स, या तुमने मर्चे ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू, साथ ही कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया, अ परफेक्ट किचन फॉर योर परफेक्ट फैमिली। नाउ 3 bedrooms लो पहला बेडरूम विद एन अमेजिंग बालकनी व्यू, साथ ही द सेकंड बेडरूम व्हिच इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी एंड हैज एम्पल ऑफ सनलाइट। एंड नाउ फॉर द थर्ड एंड द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस, दिस इज सो अमेजिंग, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ye chhe kahiya tumne mara chhe walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नगरी कहा जाता है और यहाँ की जो नवरात्रि है वो वडोदरा में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ पर नवरात्रि के एक दिन पहले शेषा स्कूल में शानदार गरबे का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए खास ये गरबे का आयोजन किया गया है और इसका जो थीम है वो भी बहुत विशेष है। इसका थीम है आदिशक्ति, एम्पावरिंग वुमेन अगेंस्ट इवल। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले कोलकाता रेप केस मामले में जो पीड़िता को सहना पड़ा उस वजह से इस जो गरबा का थीम है इसीलिए ये विशेष रहा है। इस थीम के साथ ही यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, खासकर की तीन बातें यहाँ पर खास तौर पर की गई हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। इस गरबे में जो माँ के 9 रूप हैं उन 9 रूपों का महत्व बच्चों को बताया जाएगा और साथ ही जो गरबा है
जिसे पहले गरबी नाम से जाना जाता था, उसका महत्व क्या है वो आज की जनरेशन को शायद नहीं पता है। शीशा स्कूल की ये कोशिश है कि बच्चों को असल गरबे के बारे में पता चले और साथ ही जो बॉयज हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हीं महिलाओं के रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए ये भी इस गरबे में बच्चों को सिखाया जाएगा। शैशव स्कूल में खास गरबे का आयोजन किया गया है और गरबे के साथ यहाँ का जो थीम है वो भी बहुत बेहद खास है, उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ का जो थीम है बहुत अच्छा है, अच्छे से बनाया गया है। जा रहा गरबा आयोजन में सबसे खास यहाँ का जो थीम है आदिशक्ति एम्पावरिंग वुमेन अगेंस्ट ईवल, ये थीम के साथ विशेष गरबे का आयोजन किया गया। यहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे बताएंगे कि इस जो थीम है उसमें खास क्या है। जी, शैशव के इस प्रांगण में आज जो गरबे का आयोजन किया गया है इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्य सर्वप्रथम यह है कि हम नारी शक्ति को एम्पावर्ड करें, बिकॉज बहुत ज़रूरी है अब आज के इस 21st सेंचुरी में कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं,
हमारी माताएं बहुत सशक्त हों। तो एक थीमेटिक कॉन्सेप्ट के साथ ये नवरात्रि का जो नवदुर्गा पूजा का एक अर्थ होता है, पुत्री स्वरूप से लेकर के एनर्जी के एक्सचेंज करने तक, काल रात्रि तक और महागौरी तक बनने की जो एक अभिलाषा स्त्रियों की होनी चाहिए, वह संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों को एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति देखने का अवसर मिला है और मेरा ये मानना है कि यह संदेश अगर समाज में जाता है VNM के थ्रू खास करके, तो निश्चित तौर पर स्त्रियों को ये समझने में आसानी होगी कि उनका स्वरूप क्या है और उनका कर्म क्या है। साथ ही साथ एक और मैसेज इस मंच से देने की आवश्यकता है और कोशिश की जा रही है कि हमारे जो समाज में बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए। पुरुष और पुरुषत्व का होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो शायद समूचा जो संदर्भ है हमारा, जहाँ पर स्त्रियों के सम्मान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, वो फिर से मूलभूत रूप से उसे प्रतिस्थापित किया जाता है। और हम चाहते हैं कि यह प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो, सम्मान हो और स्त्रियों को एम्पावर करने की एक प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। यह आयोजन तो हम हर साल करते हैं, अपना सेशन स्कूल तो उसको रेगुलर हर साल बनाता है और हमारा ये रहता है कि जो हमारा इंडियन एक ट्रेडिशन है वो एक बना रहे, ये एक बच्चों के एक संस्कृति उनमें जागरूक हो, पैदा हो, मालूम हो उनको भी कि क्यों हम त्यौहार मना रहे हैं और क्या इसकी आस्था है। ये थीम लोगों को मालूम ही नहीं था, तो बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग इस तरह से है। अच्छा ठीक है, गरबा सब मनाते हैं, लेकिन बच्चों को उसको उनको दिमाग में ही डालने के कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, नव दुर्गाएँ जो है वो ये हैं, इसलिए हमने ये अब के स्पेशली रखा। लास्ट ईयर तो नहीं रखा था, लेकिन इस साल ये प्रोग्राम हम लोगों ने डाला है। जानकी नवरात्रि के दौरान गरबा खेलना भारतीय संस्कृति की परंपरा है, लेकिन गरबे के साथ माँ की उपासना सबसे खास है, क्योंकि माँ सब कुछ देने वाली है और ये 9 दिन उनके लिए समर्पित है। और ये नवरात्रि का जो पर्व है वो सबसे उत्साह पूर्वक पर्व है जो वडोदरा में मनाया जा रहा है और यहाँ के शेषा स्कूल में शानदार गरबे का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें अस्पताल में शराब और ड्रग्स की बिक्री तक की बात सामने आई। भावनगर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भावनगर की सर टी हॉस्पिटल में जन सुनवाई रखी गई, जिसमें लोगों की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा सुना गया। इस मौके पर कई लोगों ने अस्पताल में खुलेआम शराब और ड्रग्स की हेर फेर और बिक्री के आरोप लगाए गए हैं। भावनगर शहर में दारू, गांजो, ड्रग्स, लाइसेंस वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स, कफ सीरप्स घरे घरे ने बधा विस्तार में छूटती मिले छे, परंतु आ सरडी हॉस्पिटल जे गरीब अने साव मध्यम वर्ग ना माणसों माटे नी सारवार माटे नो उत्तम स्थल भावनगर महाराजा साहेब आपेलू छे। એમાં લોકોને યોગ્ય પ્રમાણમાં દવા સમય નથી મળતી, સગવડતાઓ નથી મળતી, અને તહેવારોના દિવસો છે, આજે પહેલા નવરાત્રીનો દિવસ છે અને દિવાળી સુધી તહેવારોના માહોલને કારણે ગામડામાંથી આવતા દર્દીઓ, ભાવનગર શહેરના દર્દીઓ ખૂબ જ ઘણી વખત હેરાન થતા હોય છે। તો ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસે એવું નક્કી કર્યું છે કે આજથી લઈને અમે 30 સુધી, દિવાળી પછી બીજા 2 દિવસ 30 સુધી અહીંયા રોજ બેસું, સવારે 1 કલાક 2 કલાક, સાંજે 1 કલાક બેસું, અને જે કોઈ અહીંયા દર્દીઓ કે એની સાથે જે આવવા વાળા માણસો છે એને સરટી હોસ્પિટલમાં સારવારને લગતી કે સગવડતાને લગતી, દવાને લગતી કે ડોક્ટર સાહેબોને લગતી જો કોઈ મુશ્કેલી હશે, કોઈ અગવડતા હશે, તો અમે લોકો અમારા કાર્યકરો સાથે રહી અને તેનો નિકાલ કરાવડાવશું। આ ગરીબ માણસો પણ GST નો ટેક્સ ભરે છે, નાનામાં નાના મીઠું લે છે કે દૂધ લે છે કે અનાજ લે છે, એનો ટેક્સ ભરે છે। તો જે સારવાર આ ગામમાં દરેક માણસને, મોટા માણસોને મળે છે, એ જ સારવારો
गरीब मध्यम वर्ग नाना मणसों ने मळवी जो ये। गुजरात के महानगर कहे जाते वडोदरा में आज भी ड्रेनेज ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से नागरिक परेशान हैं। वडोदरा के अकोटा चार रस्ता निकट रामपुरा इलाके में फाफड़ सेठ की चौल में पिछले 6 महीने से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है और यहां के लोग गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर हैं। बार बार शिकायत के बावजूद कॉरपोरेशन की ठोस कार्यवाही के अभाव में वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच की अगुवाई में वार्ड नंबर 12 में आवेदन दिया गया। मैं अकोटा फाफड़ सेठ की चाल से आया हूं। 6 नंबर वार्ड में आवेदन पत्र हमने दिया है, पर यहां कोई ऑफिसर हाजिर है नहीं। हम ऊपर जाके आए, ऑफिस में कोई ऑफिसर है नहीं और हमारी समस्या है, हमारे गटर आज 6 महीने से उभरा रही है, घर में पानी भरा जा रहा है और सुबह में जो पानी आता है उसमें भी गंदा पानी आता है, हमको पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये प्रश्न लेके हम आए तो यहाँ कोई ऑफिसर ही हाजिर नहीं है। ये 6 महीने आज हो गए, हमने 10 वक्त रोज कंप्लेंट लोधा के गए, बस वो टैंकर में से पानी निकाल, गटर में से पानी टैंकर में से खींच के चले जाते, दूसरे दिन वही वो पोजीशन हो जाती है, कायम ही निकाल है नहीं। और वो प्रजापति साहब ऐसा बोलते है 4 महीने का टाइम दो जब हम इसकी पाइपलाइन बदलेंगे, तो 4 महीने उनको किसके पास से ऑर्डर लेने का है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ फाफड़ सेठ की चाली में गटर फूल है, 6 महीना हो गया, साफ करने के लिए आते नहीं है, साफ सफाई के लिए, और बोलते साफ सफाई करो, साहेब आते देखते बोले हमको 6 महीने का टाइम दो, 4 महीने का टाइम दो, तो 4 महीना और 6 महीने के टाइम में बच्चे को लेके कैसे रहने का, साहेब उनके बच्चों को लेके रह सकते 6 महीना गंदगी में, हमारे पास टाइम मांगते, हम कैसे टाइम देवे, हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा उसकी जवाबदारी किसकी। अभी हम 6 नंबर वार्ड में आए हैं, अभी कोई है ही नहीं, हम लोग कंप्लेन लेके आए, वो लोग भाग गए, कुर्सी छोड़ के भाग गए, हम लोग ने वीडियो लिया है, पूरी ऑफिस खाली, उन लोग के दफ्तर पड़े हैं, वो लोग भाग गए, नहीं है कुछ भी नहीं है, कोई कामगिरी नहीं है कॉरपोरेशन की, सिर्फ नाम कमाना है उनको और पगार खाना है और कुछ नहीं करना है, और कोई मर रहा है जी रहा है उन लोग को देखना नहीं है, और हमारे घर में कितनी दिक्कत आएगी वो हमको पता है कि हम गटर के पानी में रहते। बस में बेहोशी वाला बिस्किट खिलाकर यात्री को लूट लेने के कई मामलों में शामिल आरोपी को पकड़ने में राजकोट पुलिस को सफलता मिली है। गुजरात के राजकोट में स्लीपर कोच बस में यात्री के रूप में सवार होकर साथी यात्री को बिस्किट खिलाकर कीमती सामान लूट मामले आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अहमदाबाद के मेडिकल स्टोर से नींद की गोली खरीदकर 4 से 5 गोली की पेस्ट बनाकर क्रीम के रूप में बिस्किट के बीच में लगा देता था, जिसके बाद बिस्किट खाते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता था और महेंद्र सिंह चूड़ासमा नामक आरोपी उन्हें लूट लेता था। इस मामले राजकोट के DCP क्राइम डॉक्टर पार्थ राज सिंह गोहिल ने विस्तृत जानकारी दी। राजकोट क्राइम ब्रांच की टीम ने भी बातमी मळेल हती के छेल्ला 1.5 वर्षनी अंदर एक इसम जे छे ए अलग अलग बसों में बेसी मुसाफरोने घेननी कोई पण दवा पीवडावी अने तेने लूटी रह्यो छे। आ बातमीना आधारे वॉच राखीने एक इसम जे छे जेनुं नाम छे महेन्द्रसिंह हरुभा चुडासमा તેની અટકાયત કરી અને તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી। પૂછપરછના અંતે તેવું ધ્યાન પર આવ્યું કે ઊંઘની જે ગોળીઓ જે હોય છે તે આ ઇસમ મેડિકલ સ્ટોર ખાતેથી મેળવી તેની પેસ્ટ બનાવી, એ પેસ્ટને બિસ્કિટ ઉપર ચોપડીને ત્યારબાદ જ્યારે એ મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે પોતાની બાજુનો જે મુસાફર હોય તેને બિસ્કિટ ખાવા માટે થઈને આપી અને બીજો પણ નાસ્તો કરાવી અને જેવો પેલો વ્યક્તિ જે છે એ ઘેનમાં જતો રહે એટલે એ સાથે જ તેને લૂંટી લેતો હતો। આ સમગ્ર બનાવની અંદર અત્યાર સુધીમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું છે કે 15 જેવી એણે ચોરીઓ કરી છે, આ પ્રમાણે લૂંટ કરી છે અને 6-1 જેટલા ગુના દાખલ થયેલા છે, જે 6 ગુના રાજકોટ સિટીની અંદર, ભુજ, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં અને સુરતની અંદર સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયેલા છે। તમામ જે નાગરિકો છે તેમની અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આપ સૌ લોકો આ બાબતે વિશેષ તકેદારી રાખો, અજાણ્યો વ્યક્તિ જ્યારે આ પ્રમાણે કંઈ ખાવાની વસ્તુ આપે તો એ ન ખાવી જોઈએ, એ જે આપણો નિયમ છે તેનું પાલન કરો, કારણ કે આમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું છે કે 4-5 ઘેનની ટીકડીઓ તેની અંદર મેળવી દેતો હતો એક બિસ્કિટની અંદર, અને તેના કારણે ઘણા વ્યક્તિઓ જે છે એ 48 કલાકે તો અમુક લોકો તો 3-3 દિવસે ભાનમાં આવેલા છે, એટલે તેના કારણે જાનનું જોખમ પણ રહેલું છે, એટલે આ બાબતે વિશેષ તકેદારી રાખવા વિનંતી છે। ગુજરાત કે સુરત મે મેટ્રો પ્રોજેક્ટ સે પરેશાન વ્યાપારીઓ ને મેટ્રો કી કાર્યવાહી કા વિરોધ કિયા।
गुजरात की डायमंड नगरी सूरत में इन दिनों मेट्रो की कार्यवाही चल रही है, लेकिन मेट्रो की कार्यवाही के चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएमआरसी द्वारा टावर रोड के व्यापारियों के साथ विश्वासघात होने के आरोप लगाकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां 10 महीने में सड़क बनाकर दिए जाने की बात थी, जो 19 महीने बाद भी बनी नहीं है। 19 महीनों से बैरिकेडिंग लगाकर व्यापार रोजगार बंद कर दिए गए हैं, जिससे व्यापारी परेशान है। अजय हमारा साथ जो विश्वासघात आ विश्वासघात जो बैनर मारू छे विश्वासघात नो कारण एक ज छे के जारे आज थी 19 महीना पहला अमे मेट्रो ना अधिकारी साथे वात करवा माटे गया था अने एमओयू बनवानु जारे हतु तो एमओयू बनवा पहला अमे एमने सवाल कर्यो हतो के साहब तमारा तमे अमने आज 10 महीना कहो छो आ 10 महीना मा तमे अमने रस्तो नहीं आपी सकसो तो अमे शु करसो तो ते वक्ते अमने ए लोकोए आश्वासन आप्यु अने अमने कमिटमेंट आप्यु के 10 महीना नी अंदर अमारे डीवॉल कम्प्लीट करी आखो रूफ ने बनावीने तमने रस्तो आपवो ज पड़शे कारण के 2024 ऑगस्ट महीना मा अमारे मेट्रो रेल कोई पण हिसाबे चालू करवानी छे। તે છતાં પણ અમે એમને સવાલ કર્યો કે સાહેબ અગર માનો કે ગવર્નમેન્ટ નું કામ છે ઠીક છે ભાઈ ડીલે કોઈ બી ઉસકી આવી શકે તો અગર ના થયું તો તે વખતે એ લોકો અમને કીધું કે જો 10 મહિનામાં નહીં થાય તો અમે તમને એક્સટેન્ડ કરીને આપશું। 10 મહિનામાં એ લોકોનું કામ સંપૂર્ણ નહીં થયું એ પછી એ લોકોએ 9 મહિનાનું અમને એક્સટેન્ડ કરીને આપ્યું। 9 મહિનામાં પણ હજુ પણ એ લોકોની ડીવોલ બનાવવાની બાકી છે। ટોટલ ડીવોલ અહીંયા 85 ડીવોલ બનાવવાની છે, એમાંથી ખાલી 55 ડીવોલ થઈ છે, હજુ 30 દિવસ એ લોકોની બાકી છે। જો હજુ 30 દિવસ બાકી હોય અને 19 મહિના થઈ ગયા હોય તો દિવસ ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે અને દિવસ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી એ લોકોનો રૂટ સ્લેબ ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે એ હજુ એ લોકો પાસે કોઈ જાતનો જવાબ નથી। અને એ લોકોએ અમને એમ કીધું કે 19 મહિના તમને થઈ ગયા છે, હવે અમે તમને 2 મીટરનો રસ્તો યા 3 મીટરનો રસ્તો આપીએ। 3 મીટરના રસ્તાની અંદર અમે ધંધો કેવી રીતે કરીએ? 3 મીટરના રસ્તાની અંદર અમે અમારું ઘર ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવીએ? અમારા ઘરમાં બુઢા મા બાપ છે, બચ્ચાઓની સ્કૂલ ફી, ટ્યુશન ફી, દરેક વેપારીને કોઈની લોન હોય, કોઈનું ઇન્સ્યોરન્સ હોય, કઈ બી એક્સવાય ઝેડ હોય, ખર્ચા કેવી રીતે પૂર્ણ થાય? હું છેલ્લા 40-50 વર્ષથી અહીંયા રાજમાર્ગ પર ધંધો કરું છું અને યરલી 2 કરોડ નો ટર્નઓવર કરતો હતો। આ મેટ્રો ની કામગીરી ને લઈને ફક્ત અમને 2 ફૂટ જ રસ્તો આપ્યો છે અને એને કારણે મારું ટર્નઓવર ખાલી 30 લાખ પર આવી ગયું છે। હાલમાં જે કઈ સરકાર અમને કોમ્પેન્સેશન આપે છે એ પણ સંતોષકારક નથી અને હાલમાં હવે બંધ કરી દીધું છે, એને માટે સરકારે કઈ પણ ઘટતું કરવું પડશે। બીજું કે હાલમાં કોઈ પણ હિસાબે કોઈ પણ એમએલ આવ્યો નથી, કોઈ ધારાસભ્ય નથી આવ્યો, કોઈ એસએમસી ના અધિકારી નથી આવ્યા। એસએમસી એ ફક્ત 2 વર્ષના અંદર કામગીરી પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી હતી, જે કુમારે એ ખાતરી પૂર્ણ કરી નથી અને હાલમાં કામ ખાલી 20-25% થયું છે। અમારી ગુડવિલ એકદમ ડેમેજ થઈ ગઈ છે। આ અધિકારીનો લઈને અમને કોઈ પણ માલ મળ્યો નથી, અમારી ગુડવિલ પણ અમે ધંધો કરીએ છીએ। અમે તમારે એસએમસી ના રજૂઆત કરી છે, જે કુમારમાં રજૂઆત કરી છે, સરકારને પણ રજૂઆત કરી છે, પણ એમના તરફથી કોઈ પણ રિસ્પોન્સ અમને મળ્યો નથી। गुजरात के सावली हालोल रोड पर प्रदूषण फैला रही ग्रीन प्लाई कंपनी का गांव के लोगों ने घेराव किया। सावली हालोल रोड पर ग्रीन प्लांट नामक कंपनी है जो दूषित पानी छोड़ रही होने के आरोप यहां के ग्रामजन लगा रहे हैं। कंपनी द्वारा छोड़े गए दूषित पानी के चलते किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं दूषित पानी पीकर कई पशुओं की भी मौत हो गई है। ऐसे में गांव के लोगों ने कंपनी का घेराव करते हुए जीपीसीबी के अधिकारियों को बुलाकर मामले में योग्य न्याय मांगा है। जीपीसीबी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वेस्ट केमिकल के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है। कंपनी द्वारा सड़क पर ही लकड़ी का वेस्ट फेंका जा रहा है, जिसके खिलाफ आंदोलन की धमकी गाँव के लोगों ने दी है। कंपनी द्वारा अवैध रूप से सड़क पर ही ट्रक पार्किंग कर दी जाती है, जिससे यहाँ सड़क हादसे भी हो रहे हैं। हमारो कारण एक है कि आज रस्तो छे हाईवे ऊपर त्या आगर आ लोको कंपनी मा पार्किंग छे के नथी तो खबर नथी, पण गाड़ी रस्ता ऊपर मुके छे आ लोको, एना कारणे घणा बधा अकस्मात थाय छे, जेमा गई काले एक ठोकाया राणीपुरा ना व्यक्ति एमने गंभीर इजा पहुंची छे अने एनी पहला भी बहु बनाव बनी गया छे। અને બીજું આ ખરાબ પાણી કેમિકલ વાળું કાઢે છે, તેનાથી ખેતી વાળા લોકોને આજુબાજુના લોકોને નુકસાન થાય છે અને બીજું કે અમારા ઢોરો ભી મરી જાય છે। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा में मंगलेश्वर झापा रोड पर बरगद का पेड़ धराशायी होने से 4 से 5 लोग घायल हुए। वडोदरा के मंगलेश्वर झापा मेन रोड पर बरगद का एक पुराना पेड़ धराशायी हुआ। इस दौरान वहां से स्कूटर से गुजर रही एक महिला समेत 4 से 5 लोग बरगद के पेड़ के नीचे दब गए। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पेड़ के नीचे दबे लोगों को पेड़ से बाहर निकाला।
इस मामले दुर्घटना में घायल महिला को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां के स्थानीय निवासियों ने पेड़ गिरने का जिम्मेदार वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही को बताते हुए कहा कि कमाटी बाग में पार्क्स और गार्डन विभाग में जाकर पेड़ काटने की शिकायत की थी, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा पेड़ नहीं काटे जाने से यह दुर्घटना घटी। वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा आयोजनों में से एक मां शक्ति गरबा महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई। वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा महोत्सव में से एक मां शक्ति गरबा महोत्सव जिसकी शोभा यात्रा अभी झांसी रानी सर्कल से निकाली जा रही है। यहां पर भक्त ढोल ताशों के साथ में माता रानी की शोभा यात्रा, जय शंकर, आरती ठाकुर सहित जो सिंगर है अचल मेहता, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी आज नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को गरबा ग्राउंड में जहाँ उन्हें स्थापित किया जाता है पंडाल में, वहाँ शोभा यात्रा ले जाई जा रही है। ढोल ताशों के साथ में अब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ाई जा रही है। सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन हो रहा है और हम लोग माता जी को लेके स्थापन करने जा रहे हैं। इट्स ए ग्रेट इवेंट और ये साल बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और बस इसी का ये शुभाचरण हो रहा है। इसी के साथ में मां शक्ति गरबा के आयोजक जयेश ठक्कर भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। हर साल की तरह 25वीं साल में जिस तरह माता जी की आराधना करते हैं, जिस श्रद्धा से हम माता जी की मूर्ति को ग्राउंड पे ला जा लेके जाते हैं, बड़ौदा शहर का ये वक्रतुंड ग्रुप है जो शायद ही गुजरात में इस तरह कोई माता जी की आराधना ले जाके नवरात्रि की शुरुआत करता है, तो हम बहुत खुशी अनुभव करते हैं कि 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और बड़ौदा शहर की साथ और सरकार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबका धन्यवाद करता हूँ और इस साल भी वडोदरा शहर की प्रजा को मैं आमंत्रित करता हूँ, जाहिर आमंत्रण देता हूँ। थैंक यू। તમે જુઓ છો કે આજે રંગે જંગે વક્રતુંડના ઢોલ સાથે આજે ઝાંસી રાણી સર્કલથી સીધા સંતાના ગ્રાઉન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે તો વર્ષોથી કોઈ પણ જાતના માસ્ક વગેરે જે નીકળ્યું છે એ રીતના કોઈ સ્પોન્સરશીપ વગેરમાં આટલા મોટા ગરબા કરવા વડોદરા શહેરને સંસ્કારી નગરી અને ધર્મ નગરી હું આજે જયેશભાઈ ભાભી દઉં ખૂબ ખૂબ અભિનંદન માનું છું। સમગ્ર મહાશક્તિ ગરબાની ટીમને પણ અભિનંદન આપું છું। કન્ટિન્યુ આવા ગરબા વગર સ્પોન્સરશીપે વડોદરા શહેરને અને મારા વિસ્તારને અટલીસ્ટ મોટી સંખ્યામાં નીકળ્યું આ રીતના રમે અને ખૂબ સુરક્ષિત રીતે રમે। નવરાત્રિ કો લેકર હર કોઈ એક્સાઇટેડ હોતા હે ઓર ખાસ કર વડોદરા મે કુછ એસે મહોત્સવ હે જિસે લેકર બહોત ઝ્યાદા ઉત્સાહ દેખા જાતા હે। ઉની મે સે એક હે મા શક્તિ ગરબા મહોત્સવ જો ઇસ સાલ અપના 25વાં વર્ષ સેલિબ્રેટ કર રહા હે જિસકે ચલતે ઓર ભી ખાસ ઇસ બાર કા આયોજન હોને વાલા હે। ફિલહાલ યહાં કા નઝારા આપ દેખ રહે હે કિ સભી લોગ ભવ્ય તરીકે સે યહાં પર જુડે હુએ હે। Thank you.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी के वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने आबू रोड पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम आबू रोड दौरे पर पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू का यह दूसरा आबू दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू सेना के विशेष विमान से मानपुर हवाई अड्डा पहुंची, जहां राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, आईजी, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमार और ब्रह्म कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजलि बहन ने उनका स्वागत किया। यहां से सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का काफिला सीधे शांतिवन के मानसरोवर परिसर पहुंचा। यहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति के आबू रोड दौरे के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। कल राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी के वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कराएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद पुलिस के लिए आई टेक्नोलॉजी से सज्ज आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में पुलिस के लिए AI टेक्नोलॉजी से सज्ज आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल केंद्र का उद्घाटन किया, जो रियल मॉनिटरिंग में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस केंद्र में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी और सुरक्षा में बढ़ोतरी की होगी। पुलिस की क्षमता भी इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ जाएगी। केंद्रीय की विशेषता यह है कि सभी अधिकारियों के पास 3 मॉनिटरिंग होंगे, ताकि वह एक ही वक्त पर अलग अलग 3 जगह की मॉनिटरिंग कर सके। कोई गुनहगार कोई क्राइम करके भागता है, उसकी गाड़ी CCTV में दिखती है, लेकिन गाड़ी में नंबर प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है, तो वीडियो एनालिटिक्स है जिसमें की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या गाड़ी का नंबर है वो चेक कर सकते हैं। कोई आरोपी है, सपोज कोई वांटेड आरोपी है, वो यहाँ पे अगर कहीं आ गया है, घूम रहा है, तो उसको भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम से हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक कंट्रोल रूम हमारे इस नए CP ऑफिस में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कलयुगी निर्दयी मां ने पति के साथ झगड़ा में 8 माह की बच्ची की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के गोंडा के परसपुर क्षेत्र में एक निर्दयी मां ने अपनी 8 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। दरअसल पति से फोन पर हुए विवाद के बाद मां ने यह घातक कदम उठाया। इसकी जानकारी SP विनीत जायसवाल ने दी। देखिए, दिनांक 28/29 की देर रात थाना परसपुर को थाना क्षेत्र परसपुर के ग्राम अभयपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक घर से एक आठ महीने की बच्ची कहीं गायब हो गई है, और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि कोई जंगली जानवर संभवतः उसे घर से उठा ले गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों की टीम द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वन विभाग की टीमों को भी सूचित किया गया। पुलिस विभाग और वन विभाग की टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया गया बच्ची को तलाश करने हेतु। दिनांक 30 सितंबर को पुलिस को जांच के क्रम में शक के आधार पर घर के ठीक पीछे बने जो पिछले दरवाजे के सामने सेप्टिक टैंक था उसको खाली कराया गया वाटर पंप की मदद से, तो बच्ची का शव उसमें बरामद हुआ, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें मृत्यु का कारण डूबने से आया, डाउनिंग। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जाँच की गई और घटना का अनावरण करते हुए इस घटना में संलिप्त जो बच्ची है 8 महीने की, उसकी माँ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जगमती पत्नी माताफेर है। और जो ये महिला है जगमती, इससे इस संबंध में जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया इसकी 8 महीने की ये बेटी है और इनका पति जो माताफेर है ये मुंबई में रह के काम करता है, और पति से काफी लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था और 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका था, पति इनका आया नहीं था घर पे और अक्सर फोन पे इनका झगड़ा हुआ करता था। इवन जब बच्ची का जन्म हुआ तब भी ये पति नहीं आया घर पे, और इवन घटना वाले दिन भी जो वो रात का समय था पति से इनकी करीब 4-5 बार फोन पे बात हुई और झगड़ा हुआ काफी इस बात को लेकर, बच्ची को लेकर झगड़ा हुआ। और फोन काटने के बाद इस माँ ने गुस्से में आवेशवश बच्ची को उठाकर उस सेफ्टी टैंक में डाल दिया था, और उसके बाद इस घटना को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह का शोर मचाया कि कोई जानवर संभवतः उसे उठाकर ले गया है। इस प्रकार थाना परसपुर पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का
अनावरण करते हुए असुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो माँ है जिसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी उसको गिरफ्तार करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।